डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अगला वीडियो हम बनाए जा रहे हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, यदि उनका अस्तित्व है तो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, इबारती लिखना पड़ेगा, इबारती प्रश्न है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो यह 1/2 हो जाती है, हो जाती है। कह रहा है वह भिन्न क्या है, क्या यह लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख दिए हम, इसलिए बार बार हमको किताब लेकर देखना पड़ता है क्या है इबारती। अब देखें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, समीकरण कैसे बनाएंगे। तो मान लेंगे, डायरेक्ट मान सकते हैं कि वो भिन्न क्या है, x/y है, या मान सकते हैं भिन्न, कुछ लोग ऐसे मानते हैं भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y, तो अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं, माना अभिष्ट भिन्न बराबर x/y, माना अभिष्ट भिन्न इक्वल टू x/y। पहली शर्त से क्या होगा, पहली शर्त, कुर्सी लाना जी, अंश और हर, अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें, तो जाएगा अंश में एक जोड़ दीजिए और हर से एक घटा दीजिए, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1। अब तिर एक गुणा करके समीकरण बना लेंगे, तो x+1=y-1 पक्षांतर कर लेंगे, x-y=-1 है, ये भी जाएगा -1 होगा, तो जाएगा -2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही आप दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त में कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ने पर x/y+1, तो भिन्न 1/2 हो जाता है, तो हो गया 3x गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x=, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा y+1। अब y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x-y=1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। 2x-y=1 समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को इसके पास लिख लेंगे, समीकरण 1 है x-y=-2, ये हो गया समीकरण 1। देखिए गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर,
घटा देंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है और ऋण है वो धन हो जाएगा, धन ऋण कट जाएगा, तो हो जाएगा यक्स इक्वल टू थ्री। अब यक्स इक्वल टू थ्री हो गया, यक्स इक्वल टू थ्री समीकरण एक में रख देंगे तो लिखेंगे यक्स इक्वल टू थ्री समीकरण एक में रखने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, एक्स का मान लिखेंगे थ्री माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री, तो वाई इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस फाइव या वाई इक्वल टू फाइव। तो आपका आंसर हो गया लिखेंगे इसलिए अभिष्ट भिन्न बराबर यक्स बट्टे वाई, अभिष्ट भिन्न बराबर हो गया यक्स बट्टे वाई। यक्स का मान है थ्री और वाई का मान है फाइव, तो थ्री बाई फाइव यही आपका आंसर हो गया, यही अभिष्ट भिन्न हो गया थ्री बाई फाइव। अब देखो उत्तर की जांच करेंगे, अंश में एक जोड़ दें तो चार हो जाएगा, हर से घटा दें तो चार हो जाएगा, चार बटे चार एक हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आप पहले समीकरण युग्म बनाएंगे, समीकरण युग्म बना के इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। परीक्षा में कोई प्रतिबंध नहीं रहता है कि किस विधि से हल करना है, अभ्यास होना चाहिए। हमने एक दिन बताया था कि समीकरण हल समीकरण निकाय हल करने के चार विधि होते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र ग्रंथ विधि, आलेखी विधि, चारों बहुत प्रचलित है, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है उस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, बहुत कम समय वीडियो बन गया, थैंक यू।